संतोषी माँ। ये तो बहुत सुंदर है, मैं अभी जाके इसको संतोषी माँ के मंदिर में रख देती हूँ। यदि वो मणि लेकर लुप्त हो गई तो हम पुनः असुर लोग नहीं लौट पाएंगे। शीघ्र जाओ प्रभा और अपना मणि प्राप्त करो। संतोष, इस बार हम तुम्हें ऐसा पराजित करेंगे कि तुम अपना जीवन ही हार जाओगे। अब तुम्हारे प्रिय संतोषी माँ भी नहीं ढूंढ पाएंगे कि तुम कहाँ। ये प्रबल तो पुनः संतोषी के घर पहुँच गया। संतोषी जी, आप रहने दीजिए ना, हम संभाल लेंगे। संतोषी जी के लिए हम आपका वध तो नहीं कर सकते धैर्य, पर अब हम आपको संतोषी जी को स्पर्श नहीं करने देंगे, क्योंकि अब उन पर हमारा आधिपत्य है। संतोषी जी केवल हमारी है। ये उचित अवसर है संतोषी जी के केश लेने का, क्योंकि इस समय धैर्य जी भी यहाँ नहीं है। क्या हो प्रबल? यह मनुष्य कोई पंडित नहीं है, ये बहुत बड़े पाखंडी और लुटेरे हैं। क्या नाशाना पकड़ा है आप? देखिए कैसे हम इस पाखंडी पंडित की असलियत बाहर लाते हैं। ये देखिए धैर्य जी, क्या निकला इस पाखंडी पंडित के झोले में से। ठीक है बाबा, मैं ठीक हो गया हूँ, मैं से चल लूंगा। नमस्कार पंडित जी। ये हमारे पति हैं। इसमें देख लीजिए कुछ और। संतोषी जी रुकिए, क्या हो प्रबल? यह मनुष्य कोई पंडित नहीं है, ये बहुत बड़े पाखंडी और लुटेरे हैं। माते, युवराज प्रबल असत्य क्यों बोल रहे हैं? कैसी बात कर रहे हो प्रबल? ये पंडित जी हैं, यहाँ पूजा करवाने आए हैं। हम सत्य कह रहे हैं संतोषी जी, ये कोई पंडित नहीं है, ये पाखंडी और लुटेरे हैं। और ये महाशय जो अपने आप को पंडित कह रहे हैं, ये उन लोगों में से हैं जो घरों में घुसकर लोगों को बेहोश करते हैं और सारा माल लेकर चंपत हो जाते हैं। अवश्य बाहर इसके साथी खड़े होंगे जो इसके संकेत की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। क्या नाशाना पकड़ रहे हैं आप? हम ईश्वर के सेवक हैं और यहाँ उनके भक्तों की रक्षा करने के लिए आए हैं। पुष्पा जी, नाश्ता तो यहाँ लग गया है, आप जाकर झाड़ू पोछा कर लीजिए। जी। वाल्मीका बेटा, तुम रुद्राक्षी के साथ उसकी सहेली के घर नहीं गई क्यों? वो मैं देर से उठी थी ना, तो जा नहीं पाई। वो आएगी तो मैं उसके साथ खेल लूंगी। ठीक है। अच्छा धैर्य सर, आज ऑफिस जाना जरूरी है क्या? मेरा मतलब है, अभी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, तो 2-4 दिन के बाद जाते हैं। देखो संतोषी, मैं ठीक हूँ और ऑफिस जाऊंगा तो मन लगा रहेगा, और घर पे बैठे बैठे बोर हो गया हूँ मैं। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, ज्यादा काम नहीं करूंगा और जल्दी घर वापस आ जाऊंगा। ठीक है। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। दर्द गया नहीं बेटा? ठीक तो हो गई है, लेकिन थोड़ी जलन होती है अभी भी। उन्हें किसी भी प्रकार तुम्हें रोकना होगा। जो आज्ञा देवी पौलमी। द्वार पर इस समय कोई अवरोध नहीं है, बेहतर प्रवेश करने के लिए ये उत्तम समय है। में गाय घुस गई। अरे देखो, अरे तुम्हारे बंगले में गाय घुस गई। वॉचमैन, तुम्हारे बंगले के अंदर गाय घुस रही है। अरे वहाँ ये गाय घुस गई। हट 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 हट। ये अचानक से कैसे सचेत हो गया? हट 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 हट। अरे आप लोग इन गाय को मार क्यों रहे हो? दिखता नहीं है गाय घर के अंदर घुसी जा रही थी तो क्या हुआ? गाय हमारी माता होती है, अगर इसने थोड़ी घास खा भी ली तो कौन सा तुम्हारा बगीचा उजड़ जाएगा। ओ मिस्टर, दादा ना भाषण देने की जरूरत नहीं है, पर अगर तुम्हें इतना प्यार आ रहा है इस पर तो तुम ले जाओ इसे। हाँ हाँ तो ले जाऊंगा और इसे किसी गौशाला में छोड़ दूंगा ताकि इसके साथ कोई बुरा व्यवहार ना करे। हाँ तो ले जाओ। हे माँ, यदि ये हमें यहाँ से ले जाएंगे तो हम अपना उद्देश्य पूरा कैसे करेंगे? यहाँ तो हम अपना रूप भी बदल नहीं सकते। हाँ तो ले जाता हूँ। तो ले जाओ। ये कार्य अवश्य ही किसी षड्यंत्र का भाग है। ये तो बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। गौ माता, आपने तो अत्यधिक मूर्खता का कार्य किया है। अब संतोषी की मृत्यु 2-3 दिन के पश्चात में अपितु आज होगी, और जिसका कारण आप और आपके संतोषी माँ होंगी। पहले चाचा जी और अम्मा जी उसके पास जाएंगे, फिर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसका ध्यान भटकाएंगे, तभी विभू और हप्पू सिंह जी खिड़की से उसको पकड़ लेंगे। भैंस जब पूंछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी। तुम दोनों की भैंस तो पानी में जाएगी। कुछ लोग फेक होकर भी फेक नहीं लगते। मुझे इसके इरादे नेक नहीं लगते। जाना और जाना तुमने ठीक पहचाना। ठंड का मजा आता है वादिये पहाड़ में, और अब तुम दोनों जाओगे भाड़ में। बात करनी पड़ेगी। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे भेजे में ना थोड़ा अक्कल डालने का कोशिश कर रहे हैं। शशि जी, मैं सुमन रणवीर मित्तल, आपसे मेरे जो भी रिश्तों का अधिकार है उन सबको तोड़ती हूं। मारना चाहते हैं ना आप रणवीर जी को, तो मारिए। पहले छोटा बोल रही थी ना देवर जी की लाल पगड़ी के बारे में, तो ये सारे गुण राणा के बापू में। मतलब आप यो चाहो कि चाचा जी अपनी पगड़ी बापू जी को पहनाए? हम वे ताई जी, मने माफ करना, पर मने ना जो ठीक ना लग रहा। लक्की जी, बापू जी की मान सम्मान और इज्जत उनकी पगड़ी से ना सिर्फ बल्कि उनके ऊंचे विचारों और नेक कामों से। जो पेड़ फलों से भरा हो ना, वही पेड़ झुक सके। देख चंदर, मेरे साथ खेल खेलना बंद कर। वैसे भी तेरे पास कोई सबूत नहीं है मेरे खिलाफ। वो पेन ड्राइव जो जिम्मी के डॉक्टर ने रिकॉर्ड की थी वो मैंने खत्म नहीं की थी। तुझे वो पेन ड्राइव याद है जो हम निहाल के लैपटॉप में चलाने की कोशिश कर रहे थे और उसमें कुछ नहीं निकला था? हाँ? ये लोग उसी पेन ड्राइव के बारे में बात कर रहे हैं। देख, जब तक चंदर मेरे साथ और अपने दोस्तों के साथ पार्टी बनाता है तब तक तू जा और पेन ड्राइव ढूंढ। चाहे जो हो जाए वो राज आज हम पता